स्वागत है आपका मेरे ऑसम चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स पे। दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इसमें यूजर ऑथेंटिकेशन का पेज कैसे बनाते हैं इसमें। ओके, आज की वीडियो में हम ये लॉगिन पेज बनाएंगे। देखिए कितना ऑसम है ये, ठीक है ना। एंड इसके बाद हम इसका ये साइन अप का पेज भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, एंड एंड फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ओनली फॉर जस्ट 159 रुपीज में। ओके, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे इसमें। जैसे आप कुछ भी कमेंट करेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपका इजिली जल्दी से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत ऑसम है, ठीक है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है ओके एडमिन की। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट इसका ये होम पेज बता दिया था। ओके, एंड देखिए कितनी ऑसम से हमने साइड बार टोकल का इफेक्ट लगाया था, ठीक है ना। इसमें हमारी ये सब कुछ हमने ऐड कर लिया था, देखिए। एंड फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इसका ये लॉगिन पेज क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड फ्रेंड्स मैं आपके लिए ना बहुत अच्छी एक प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ, जो कि होगी हमारी नोड जेएस एंड मोंगो डीबी में ई-कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है ना। वो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है। ओके, उसमें उसमें सीखने को बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये सारे हमारे होम पेज पे ये जो डैशबोर्ड का पेज है, इसमें हम अपने प्रोडक्ट शो करा सकते हैं। या आप ई-कॉमर्स का डैशबोर्ड नहीं, आप अपने अगर आप कुछ रिक्वायरमेंट है डैशबोर्ड की, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डेटा ऐड करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मैं अपना ई-कॉमर्स से रिलेटेड ही अपना ये बना रहा हूँ। ओके ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसमें ये वो भी लगाएंगे, लाइट एंड डार्क मोड का, ठीक है ना। लाइट एंड डार्क मोड भी इनेबल करेंगे इसके अंदर, तो वो भी हम सीखेंगे। ओके, चलिए देर ना करते हो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखना है विद नेक्स्ट जेएस, तो प्लीज ये वाली वीडियो आप ये प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ऑसम चल रही है, ठीक है दोस्तों। एंड आपका प्यार मुझे बहुत बहुत मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए देर ना करते हो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाएंगे इसका लॉग इन का पेज, ठीक है ना। एंड लॉग इन का पेज बनाने से पहले देखिए यहाँ पर एक चीज है, ये जो आइकन है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे में ये लग रहा है कि ये साइड बार के अंदर है, बट हमको ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा यहाँ पर हम पैडिंग दे देंगे। देखिए मैं किस पैडिंग की बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये Part 3 है, ठीक है ना, हेडर के अंदर। तो मैं अपना ये ओपन करूंगा, हेडर के अंदर, सिंपल हेडर के अंदर मैं यहां पर ऐड करूंगा Part 3 एंड पैडिंग लेफ्ट। ओके, एंड यहां पर मैं अपना ये हेडर ओपन करूंगा Part 3। एंड देखिए यहां पर कोई वैसे पैडिंग नहीं लगी हुई है। एंड देखिए यहां पर मैं और करता हूं पैडिंग, चेक करते हैं कि 100 px तो आई नहीं अभी तक, PL4 लगा हुआ वहां पर इसलिए नहीं आ रहा, ये रहा। ओके, Part 2 है वो, ठीक है। मैंने 100 कर दिया, PL4 हटा दिया मैंने वहां से। एंड यहां पर देखिए 100 यहां पर मैंने कर दिया, तो यहां पर मैं करता हूं अपने अकॉर्डिंग 70, जैसे यहां पर एडजस्ट हो जाए पूरा। थोड़ा सा और करना पड़ेगा हमें, वेरी गुड। अब ये अच्छा लग रहा है देख काफी ना, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया। एंड हेडर को क्लोज ना करके डैशबोर्ड को क्लोज करता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे जो हमारा ये आ रहा है ना, माय अकाउंट का ड्रॉप डाउन जो आ रहा है, उसको फ्रेंड्स हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा लॉगिन के बाद ही शो होगा। यहाँ पर हमारा एक लॉगिन का बटन ऐड होना है, ठीक है ना। ये माय अकाउंट रैपर है, ये रहा, ठीक है ना। इससे पहले हमको यहाँ पर बटन ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया है, BTN ब्लू देखिए ऐड किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। एंड यहाँ पर इसका क्लास ये दे देंगे। एंड यहाँ पर
साइन इन्वर्टर, ठीक है ना। देखिए यहां पर एक साइन बटन आ चुका है, एंड तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर एक यूज स्टेट लेंगे, यहां पर इज लॉग इन, सेट इज लॉग इन नाम से, अगर ये लॉग इन होगा तो ट्रू हो जाएगा वरना फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहां पर देखिए चेक करेंगे, यहां पर ये रहा, यहां पर कंडीशन ऐड कर देंगे, नॉट इज इक्वल टू ट्रू है तो ये वाला हमारा रेंडर होगा, अदरवाइज हमारा ये सेक्शन रेंडर होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूं, देखिए दोस्तों हमारा ये साइन इन रह गया, ओके ठीक है ना, साइन इन रह गया है ऑलरेडी। एंड देखिए अब यहां पर अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा ना, अब देखना क्या होगा, देखिए अब वो आ गया, ठीक है ना, साइन हटके, तो हमको ये स्टेट से मैनेज तो हो रहा है हमारा। एंड हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, BTN ब्लू, BTN LG नाम से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे एंड इसमें 10px 35px यहाँ पर ऐड करेंगे, ये क्लास है, ठीक है। एंड यहाँ पर आके हमको बटन में ये ऐड कर दिया, एंड ये जो साइन है देखिए ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, 725, अभी काफी अच्छा लग रहा है ना। एंड यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं, BTN राउंड बॉर्डर रेडियस 30px, ओके। एंड अगर हम ये चीज यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये राउंड हो जाएगा हमारा कॉर्नर इसके बटन के, देखिए ये और भी अच्छा लग रहा है इस टाइम ना, देखिए ठीक है ना। एंड यहां पर थोड़ा सा जो है ना इसको 5 करते हैं, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अब हम यहां पर पहले इसका राउट बना लेते हैं, यहां पर लॉग इन, एंड यहां जाके हम पेजिस में, मैं इसको पहले क्लोज करता हूं, एंड पेजिस में हम बनाएंगे, हमको पेजेस में बनाना है लॉग इन, ओके। एंड लॉग इन के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कंपनियों में ऐसे ही काम होता है, तो मैं आपको ना, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपको ना जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ओके। एंड देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा ये जो लॉगिन पे आने के बाद ना इसमें से हेडर फुटर हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो ये भी हम सीखेंगे, ओके। तो ये कैसे करते हैं, देखिए लॉग इन, लॉग इन सेक्शन, ठीक है ना। एंड इसको हम पहले इसका यहां पर बना लेते हैं, यह पोजीशन कुछ नहीं आएगी, ठीक है। एंड यहां पर पैडिंग हो जाएगी हमारी 35px एंड 25px, ठीक है। तो यहां पर एक लोगो भी आ जाएगा हमारा, तो ये रहा हमारा, ठीक है ना। एंड इसके अंदर लॉगिन बॉक्स, ओके। एंड यहां पर पहले लोगो को इंपोर्ट करा लेते हैं,
ओके। एंड यहाँ पर सीधा पहले लोगो एंड यहाँ पर लोगो आ जाएगा। ओके एंड यहाँ पर टेक सेंटर देखिए, एंड यहाँ पर मैंने इसका राउट, यहाँ पर लॉगिन आएगा, ये हमारा इंपोर्ट भी हो गया देखो ऊपर से, ठीक है ना। मेक श्योर आप इंपोर्ट भी कर लो इसको। एंड अब चेक करते हैं स्लैश लॉगिन। देखिए दोस्तों हमारा लॉगिन पेज तो आ गया, ठीक है ना, बट यहाँ पर हमारे ना हेडर फुटर भी शो हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको हमको रिमूव करना है। तो पहले इनको रिमूव कैसे करते हैं आप ये चीज देख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइड बार है हमारी एक, एंड ठीक है हमारा यहां पर देखिए, एक जो हमारी ये हेडर थी ना, इसे कॉपी कीजिए एंड यहां पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। एंड इसको हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड ये यहां से हटाएंगे और ये यहां पर लगाएंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट। ओके मेक श्योर यहां पर कॉन्टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड दोस्तों यहां पर अगर हम ट्रू कर देंगे तो देखिए यहां पर वो माई अकाउंट का ही आना चाहिए ड्रॉपडाउन के साथ, देखिए ये आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपरली ये हमारा चल रहा है, ठीक है ना। एंड अगर हम यहाँ पर फॉल्स कर देंगे तो क्या होगा, वो दोबारा अगेन बटन आ जाएगा, ठीक है ना, ये सही है। एंड दोस्तों यहां से हम चेक करेंगे, देखिए देखिए इसका मतलब ये है कि अगर लॉगिन नहीं है ना तो हमारा साइड बार दिखेगा यहां पर। नो 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 नो, ये यहां पर नहीं करना हमको, ठीक है ना, ये ऐसे नहीं करेंगे हम। तो हम यहां पर करेंगे दोस्तों कि एक यूज इफेक्ट लेंगे, ठीक है ना। एंड यहां पर इस लॉगिन पेज हम एक काम ऐसा करेंगे, जहां जहां पे हमको मतलब साइड बार एंड हेडर रिमूव करना है ना, वो स्टेट लेंगे इस हाइट साइड बार एंड हेडर। ओके ये हमने स्टेट बनाई, ये फॉल्स है भी, ठीक है ना। एंड ये भी हम यहां पर सेंड कर देंगे, ठीक है। एंड अब देखिए यहां पर आके हम क्या करेंगे, वही कॉन्टेक्स्ट हमको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट माय कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसको यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट एंड माय कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड यहां पर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट करेंगे ट्रू को, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये जैसे ही ट्रू होगा ना, यहां पर ये कंडीशन लगा देंगे, ट्रू नहीं है तो जब ही दिखेगा ये। ओके अब हम चेक करते हैं, देखिए अभी तो हमारा ट्रू नहीं है तो हमारी देख साइड बार चली गई है, यानी कि अभी क्या था यहां पर फॉल्स है। अच्छा ये फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे बनेगा, देखिए अब यहां पर हमारी साइड बार आ चुकी है साइड बार। एंड यहां पर अगर मैं इसको ट्रू कर दूं ना, तो देखिए ट्रू करते के साथ ही हमारा यहां पर ये साइड बार हाइड हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट मिनट, क्या हुआ, यहां पर मैंने ट्रू किया,
अच्छा सॉरी, यहाँ पर सही तो चल रहा है हमारा, ये देखिए यहाँ फॉल्स है एंड ठीक है। देखिए अब इसका मतलब है ये फॉल्स, अगर फॉल्स है ना हमारा हाइट वो, तो यहाँ पर ये रेंडर होएगा वरना नहीं हो, क्योंकि मैंने यहाँ से ट्रू कर दिया ना इसको, देखिए ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ से फॉल्स कर दूंगा तो ये हमारा दोबारा आ जाएगा, देखिए आ चुका है ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसको ट्रू रखूंगा एंड सेम टू सेम यही कंडीशन कहाँ पे अप्लाई होगी, हेडर पे। मैं कॉपी करता हूँ, ये सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी ठीक है ना। देखिए देखिए यहाँ सिंपल हमारा क्या रह गया, ये चीज। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं, ये जो हेडर है ना, हेडर ये जो बटन हमने बनाया था लिंक टू लगाएंगे यहाँ, एंड यह स्लैश लॉग इन, ओके इसको बंद कर देंगे यहाँ, एंड यहाँ पर इसको यहाँ बंद करेंगे ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ से डैशबोर्ड पे आएंगे। अब देखना मैं बटन से क्लिक होके जाऊंगा, देखिए अभी तो सब कुछ यहाँ पर बोल रहा है कि साइन इन करो, जैसे ही मैं साइन इन करूंगा ना ये दोनों हटने चाहिए, देखिए ये हट गई प्रॉपर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये काम भी हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके सीएसएस करेंगे, मतलब डिजाइनिंग कर लेंगे ठीक है ना। ये कंटेंट है एंड यहां पर एक कंडीशन लगेगी, देखिए यहां पर एक कंडीशन लगेगी, ठीक है। अगर ये ट्रू है ना तो यहाँ पर एक क्लास हम फुल नाम से ऐड कर देंगे, यहाँ पर फुल नाम से ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना यहाँ ऐड कर देंगे, मैक्स विड्थ 100%, ओके फ्लेक्स 100% एंड विड्थ 100%, ओके। अब चेक करते हैं, देखिए बिल्कुल सेंटर आ गया है एंड यहां पर एक क्लास ऐड भी हो गई होगी हमारी, देखिए कहां पर कंटेंट क्या था फुल, ठीक है ना। अब यहीं पर हम अपना काम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लॉग इन टू अब आ जाएंगे लॉग इन पे, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे H5, ओके। देखिए ये आ चुका है ठीक है ना। एंड ये जो इसकी विड्थ रखेंगे हम ATPX या और कम कर देंगे 60, ओके ये परफेक्ट है ना। एंड थोड़ा सा इसका फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड मैंने इसका रखा तो ये भी परफेक्ट आ रहा है। एंड देखिए इसके पीछे एक इमेज है, ये रही ये इमेज है ठीक है ना। एंड इसको हम यहां पर इसको डाउनलोड कर लेंगे पैटर्न, ओके। एंड यहां पर लॉगिन सेक्शन बैकग्राउंड यूआरएल इमेजेस में ठीक है, एंड रिपीट एक्स टॉप सेंटर एंड यहां पर कलर वाइट ठीक है ना। अब चेक करते हैं जरा, देखिए ये तो आ गया हमारा,
ठीक है ना। एंड ये हमारा ऐसे बहुत अजीब सा आ रहा है, डार्क डार्क सा। तो देखिए यहां पर इन्होंने कैसे किया हुआ है काम। देखिए दोस्तों, इन्होंने ना यहाँ पर एक इमेज ही ले रखी है, ठीक है ना। तो इससे उन्होंने काम किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे अभी, सिंपल यहाँ पर बैकग्राउंड व्हाइट रखेंगे अभी, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड यहाँ पर व्हाइट कर दिया हमने। एंड यहाँ पर क्या होगा, हम ऐसा करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा पैटर्न फ्रॉम ओके। एंड यहाँ पर इसको, ठीक है, लॉग इन पैटर्न नाम से यहाँ पर एक क्लास दे दी इसकी। एंड यहाँ पर विड्थ 100%, हाइट भी 100 हो गया, ठीक है ना। एंड ओपेसिटी 0.3। अब चेक करते हैं, देखिए ये यहाँ पर ये आ तो गया 0.08, ठीक है। एंड ये जो है ना, इसके पोजिशन रिलेटिव जो लॉग इन सेक्शन था इसका, ठीक है। एंड यहाँ पर जेन इंडेक्स 100 कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड, टॉप से 0 एंड लेफ्ट से 0, ओके ये हो गया। एंड यहाँ पर जेन इंडेक्स 99। क्या हुआ, आया क्यों नहीं कंटेंट? अच्छा, ये जेंड इंडेक्स की वजह से हो रहा है, देखिए। ठीक है, देखिए अब वो पीछे आ चुका है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर हमारा हो चुका है काम। एंड यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, एंड इस पे करेंगे हम पॉइंटर इवेंट्स नन, ओके, कि इस पे क्लिक ही ना हो, ठीक है ना। तो हमारा ये आ चुका सही, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रॉपर हमारा बन गया। अब इसके अंदर अपने अपने को क्या करना है, ये बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर आएंगे हम लॉग इन बॉक्स के अंदर, एक रैपर और ले लेंगे, ठीक है। लॉग इन सेक्शन में जो लॉग इन बॉक्स है हमारा, पहले लॉग इन बॉक्स का लेंगे, ठीक है ना। विड्थ 600 px, एंड इसका अभी मैं चेक करने के लिए हाइट दे रहा हूँ 600। एंड अभी जस्ट चेक करने के लिए ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे करना 400। एंड यहाँ पर मार्जिन ऑटो, हाँ ये ठीक है फ्रेंड्स, पूरा ठीक है ना। एंड इतना ठीक है, यहाँ पर अब ऑटो आ जाएगा एंड बैकग्राउंड चला जाएगा। एंड इसके अंदर जो हमने रैपर बनाया है उसका विड्थ 100%, एंड हाइट अप यहाँ पर, एंड बैकग्राउंड
ये वाला ठीक है ना। एंड मैं ये वाला प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर तो मैं क्या करता हूँ, यही वाला बैकग्राउंड ये पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। तो देखिए ये बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया। एंड अगेन यहाँ पर क्या करना है हमें, पोजीशन रिलेटिव ये इसके ऊपर लाना है हमें, ठीक है ना। देखिए अब प्रॉपर ही ठीक है ना। एंड इसका मार्जिन टॉप से, या मार्जिन टॉप हम यहीं से देंगे, NT3 ओके। एंड यहाँ पर कार्ड एंड बॉर्डर, देखिए प्रॉपर अब ये अच्छा लग रहा है हमारा, ठीक है ना। एंड इसमें P3 यानी कि पैडिंग दे दिया हमने, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारा फॉर्म बनेगा, ये वाला फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए फॉर्म बनाते हैं जल्दी से। एंड इसमें आइकन भी हमारे, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जाएंगे जल्दी से। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे ना, हम जब इसके अंदर जाएंगे, हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे ना कितने टाइप के हमारे यहाँ पर फॉर्म है। अपलोड में जाएंगे, देखिए इस टाइप के सिंपल सिंपल हमारे यहाँ पर फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल इनपुट है यहाँ पर, तो हम सिंपल इनपुट ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हम चाहें तो और भी एक्स्ट्रा, जैसे मटेरियल UI में आता है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मटेरियल UI में सॉरी इनपुट है यहाँ पर कंपोनेंट में, ये रहा टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। देखिए टेक्स्ट फील्ड में ना ऐसे आता है, आप चाहो तो ये वाला ऐड कर सकते हो, वरना हम सिंपल ही रखेंगे, ठीक है ना। देखिए कोई बात नहीं, हम सिंपल रख लेते, जैसा यहाँ पर चल रहा है ना हमारा वैसा यहाँ पर रखते हैं, तो इजी रहेगा, है ना। देखिए ये सही है, इसको हम क्लोज करते हैं, हम सिंपल रखते हैं, ठीक है ना। और हम आते हैं दोबारा यहाँ पर फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म ग्रुप ओके। एंड यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट आएगा, यहाँ क्लास फॉर्म कंट्रोल ओके। ये यहाँ पर हमारी फील्ड्स आ गई है देखिए। एंड अभी हम इसका और डिजाइन कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर ईमेल प्लेस होल्डर में, एंटर योर ईमेल ओके। देखिए यहाँ प्लेस होल्डर में भी यहाँ डेटा आ जाएगा, ठीक है। एंड अब इसका हम थोड़ा UI ठीक कर लेते हैं, तो यहाँ पर P3 की जगह P4 करेंगे ओके। एंड यहाँ पर आएंगे हम रैपर के अंदर, सबसे पहले तो इसमें फॉर्म ग्रुप में, हम फॉर्म ग्रुप के अंदर MB3 कर देंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पर रैपर के अंदर फॉर्म फॉर्म कंट्रोल, यहाँ बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ओके। एंड बॉक्स शेडो नन ओके। एंड एक और यहाँ पर होता है हमारा बॉक्स, ये आउटलाइन आउटलाइन नन। अब चेक करते हैं एक बार हम अपना, देखिए ठीक है ना, ये सिंपल हमारा हो चुका है बढ़िया तरीके से। एंड अच्छा यहाँ पर वाइट है बैकग्राउंड, हमने वाइट कर दिया, ठीक है ना, वाइट ही कर दिया। एंड थोड़ा सा यहाँ पर बॉर्डर भी है, रेडियस भी है, बॉर्डर रेडियस 4 px, ठीक है ना। ज्यादा करनी चाहिए बॉर्डर रेडियस। एंड यहाँ पर एंड फोकस पे हमारा यहाँ पर कुछ आना चाहिए, ये वाला, ठीक है ना।
वाटर 1px सॉलिड एंड ये देखिए परफेक्ट आ रहा है ठीक है ना। एंड इसके अंदर जो ये हमारा प्लेस होल्डर है, एंड इसके अंदर हम पहले फॉन्ट साइज ऐड करेंगे 14px एंड फॉन्ट वेट 600 ठीक है ना। एंड यहाँ पर इसकी ना हाइट भी डिफाइन कर देंगे 45 परफेक्ट है ओके। देखिए एंड यहाँ पर इसके आइकन भी है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पैडिंग लेफ्ट 30px हमने अभी इसमें पैडिंग ऐड करेंगे क्योंकि वहां पर हमारा एक आइकन भी आएगा, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा अब ठीक है ना। एंड अब यहाँ पर ना एक आइकन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, तो मैं जाऊंगा रिएक्ट आइकन्स एंड यहाँ पर क्या नाम है ईमेल, यही कॉपी करेंगे ओके। एंड यहाँ पर एक ईमेल कॉपी कर लिया, और क्या यहाँ पर पासवर्ड है, पासवर्ड आ गया। पासवर्ड का आइकन ये वाला ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको आइकन लगाना सिखाऊंगा, एक क्लास लेंगे आइकन नाम की एंड उसमें ये पेस्ट कर देंगे ठीक है ना। एंड अब यहां पर आएंगे, जो ये रैपर था ना वो फॉर्म ग्रुप जो था, यहाँ पोजीशन यहाँ पे ऐड करेंगे पोजीशन रिलेटिव, एंड इसके अंदर फॉर्म ग्रुप के अंदर जो आइकन है यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 20px एंड लेफ्ट से 15px एंड जेड इंडेक्स। अब चेक करते हैं एक बार जरा, देखिए यहाँ पर आ चुका है एंड टॉप से तो ये ज्यादा आ रहा है ठीक है ना। एंड इसका फॉन्ट साइज 25px ठीक है ना। एंड ये टॉप से 5 एंड लेफ्ट से भी 5 करके देखते हैं जरा एक बार इनके अलाइनमेंट, ये लेफ्ट से तो 10 होना चाहिए ओके। एंड टॉप से 3 होना चाहिए परफेक्ट है ओके। एंड थोड़ी सी यहाँ पर ना बॉर्डर रेडियस 8 कर देते हैं, थोड़ा राउंडेड नहीं है ना ये, और लगना चाहिए ठीक है परफेक्ट है ठीक है ना। बट इसके अंदर ये हमारा ये जो आइकन है ना ये ब्लू नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे क्लास यहाँ पर ऐड करेंगे फोकस में आइकन में SVG ओके। एंड यहाँ पर कलर ओके। एंड यहाँ पर आइकन में जो SVG है ओपोसिटी 0.82 की वो ना ब्लैक था ज्यादा, देखिए अभी अच्छा लग रहा है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इन इनमें कुछ कलर ऐड किया होगा पहले, देखिए ये कलर है ठीक है ना, तो हम भी यही कलर ऐड कर लेंगे ओके। परफेक्ट लग रहा है इस टाइम ना। एंड थोड़ा सा इसका ना आयो फॉन्ट साइज 22 या 23 करते हैं अब परफेक्ट ठीक है ना। अब इसको हम ब्लू कैसे करेंगे, देखिए ऑन फोकस पे यहां पर हम करेंगे ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऑन फोकस पे एक यहां पर ना क्लास देते, मतलब कुछ एक फंक्शन यहाँ पर कॉल करेंगे देखिए कैसा, फोकस इनपुट ओके। एंड यहाँ पर ये 0 पास कर दिया, एंड यहाँ पर हम स्टेट बनाएंगे कॉन्स्ट
इनपुट इंडेक्स सेट इनपुट इंडेक्स यूरिस्टेट, पहले नल ऐड करेंगे यहां पर, ठीक है ना। एंड यहां पर फंक्शन था कॉन्स्ट, उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यहां पर इंडेक्स आ जाएगा। एंड यहां पर उसका इंडेक्स, ठीक है। एंड उससे पता लगेगा हम जिस पे फोकस कर रहे हैं ना उसका इंडेक्स यहां पर पास होएगा। एंड यहां पर इसको पहले हमने बैक टिक में दिए, बैक टिक में ऐड किया क्योंकि हमको यहां पर अपने कंडीशन लगानी है जीरो, ओके। तो यहां पर मैंने क्या ऐड किया था, फोकस नाम की क्लास, तो फोकस नाम की क्लास, ओके। ऑन फोकस पे तो ये हो गया, एंड ऑन ऑन ब्लर पे हम क्या करेंगे, सीधा इसको नल ही करवा देंगे। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूं, देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा एक बार, आई थिंक अभी हुआ नहीं ये, देखो फॉल्स आ रहा भी यहां पर, फोकस आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या किया, फोकस के अंदर आइकन में एसवीजी फॉर्म ग्रुप आएगा यहां पर, ठीक है ना। देखिए अब ये परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको ये पसंद आया हो, ठीक है ना, ये परफेक्ट काम कर रहा है हमारा। एंड उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, सेकंड इनपुट अपना बना लेंगे, जैसे ये बनाया। एंड यहां पर क्या होगा हमारा, पासवर्ड। एंड यहां पर पासवर्ड कहां पर आ जाएगा हमारा, यहां पर पासवर्ड ये आ जाएगा। एंड एंटर योर पासवर्ड, ओके, एंड टाइप पासवर्ड, ठीक है ना। एंड यहां पर वन, यहां पर भी वन पास करेंगे। अब चेक करते हैं, देखिए पासवर्ड भी वही है, ठीक है ना। एंड दोस्तों इसके अंदर हमको एक चीज और ऐड करनी है, ये वाली पासवर्ड व्यू का, ठीक है ना। तो देखिए ये कैसे हम ऐड करते हैं, यहां थोड़ा सा हम पता क्या करते हैं, एक काम P4 यहां से हटाते हैं, एंड ये जो रैपर है ना ये वाला, यहां पैडिंग अपने अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। ये हो गया, एंड यहां 35 ही रख देते हैं, 35 भी ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है ना। ये तो हमने कर लिया। एंड दोस्तों अब यहां पर हम करेंगे एक आइकन लगाएंगे, ये वाला पासवर्ड व्यू का। तो देखिए वो कैसे लगाएंगे हम, यहां पर ही लगा लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए दो आइकन हम पे आ चुके हैं ये, ठीक है ना। ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, मैं ये वाला लूंगा, एक आइकन ये रहा एंड सेकंड आइकन ये रहा, तो यहां पर स्पैन क्लास नेम टोगल शो पासवर्ड के नाम से यहां बनाएंगे, ओके। एंड इसके अंदर ये आइकन आ जाएगा। अब देखिए यहां पर वो आइकन आ तो गया, अब इसको कैसे सेटअप करेंगे, यहां पर पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 5px एंड राइट से 5px, ओके। एंड इसके अंदर जो ये svg है, ये फॉन्ट साइज इसका 22px करके देखते हैं, देखिए आ रहा है। एंड इसका जो है ना यहां पर कर्सर पॉइंटर ऐड करते हैं, ठीक है ना। एंड टॉप से ये 7 करते हैं,
एड करते हैं टॉप से एंड राइट से भी ऐड एड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये कंप्लीटली यहाँ पर आ चुका है, ओके। एंड हाँ, अब यहाँ पर कंडीशन लगानी है हमको, ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक पे इज शो पासवर्ड, ओके। ये फंक्शन है, या हम सीधा एक ना स्टेट लेते हैं इस नाम से, कॉन्स्ट इज शो पासवर्ड, सेट इज शो पासवर्ड यूज स्टेट फॉल्स, ओके। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर इसके ऑन क्लिक पे ना फंक्शन कॉल करेंगे एंड इसमें सेट करेंगे इस शो पासवर्ड को, ठीक है ना। एंड यहाँ पर नॉट नॉट इज इक्वल टू लगा देंगे, इसका मतलब ये है अगर वो फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रू है तो ये आइकन, अदरवाइज यहाँ पर आइकन ये आएगा, देखिए। मैंने क्या काम किया, अगर ट्रू होएगा तो ये वाला आइकन रेंडर होएगा, वरना ये वाला आइकन रेंडर होएगा। अब चेक करते हैं, देखिए हम, देखिए प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। एंड इसको टॉप से ना और थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको, 10 कर दिया टॉप से मैंने, परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर बट हमारा पासवर्ड तो वैसे ही दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसे कॉपी किया, ये जो ये टाइप में पासवर्ड आ रहा है ना, यहाँ पर ये किया, ये ट्रू है तो यहाँ पर आएगा टेक्स्ट अदरवाइज पासवर्ड, ठीक है। अब चेक करते हैं हम, देखिए ये हमारा, एक मिनट मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ, क्या उल्टा चल गया क्या। अभी देखिए, अभी हमारा पासवर्ड दिख रहा है, ये बोल रहा है कि देख लो, मैंने देख लिया, ठीक है ना। अभी ये कह रहा है कि सही है, परफेक्ट काम कर रहा हमारा, ठीक है ना। देखिए परफेक्ट काम कर रहा है, तो हमारा ये भी हमारा डन हो गया। एंड ये तो हम रखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद हम रखेंगे साइन इन का बटन, जो कि हम यहां रखेंगे, फॉर्म ग्रुप, ओके। एंड यहां पर बटन साइन इन, एंड यहां पर BTN ब्लू, BTN LG एंड W100, बटन इज नॉट डिफाइंड, तो यहां से पिक कर लेंगे हम बटन मेटेरियल UI का, वाओ ये आ चुका है, ठीक है ना। एंड BTN LG में ये जो BTN LG लगाया हमने, BTN बिग लगाते हैं यहाँ पर क्लास, ठीक है ना। तो पैडिंग 8px, 25px, ओके, BTN बिग लगाते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड इसका राउंडेड भी होने चाहिए, ठीक है ना। एंड बॉर्डर रेडियस 8px, परफेक्ट है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर थोड़ा सा और कर देते हैं इसको अच्छा सा, है ना। एंड यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज 16px, परफेक्ट लग रहा है इस टाइम, ठीक है ना। एंड अब इसके बाद दोस्तों ये फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन रखना है हमको, ठीक है ना। या हम रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। फिर भी हम यहाँ पर रख लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पर लिंक टू
फॉरगॉट पासवर्ड, ओके, एंड यहाँ लिखना है हमको फॉरगॉट पासवर्ड, एंड इसका नाम रखना है ये, इसकी क्लास रखेंगे हम लिंक, ओके, यहीं पर ही ऐड कर लेंगे ऊपर ही लिंक। यहाँ पर कलर होगा हमारा, यहीं से पिक कर लेंगे कलर भी इसका, ये रहा, ठीक है ना, ये इसका कलर है एंड टेक्स्ट, ओके, एंड चेक करते हैं हम एक बार, लिंक इज नॉट डिफाइंड, एंड हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर लिंक को भी इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से, ओके, एंड नीचे आते हैं, देखिए ये ऐसा आ गया हमारा, एंड यहाँ पर आके हमको क्या करना है, होवर में अपने अकॉर्डिंग कुछ कर देंगे यहाँ पर कलर, ओके, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन रहेगा हमेशा इसका, ठीक है ना, एंड यहाँ पर टेक्स्ट, एंड यहाँ पर जाएंगे हम, ये तो ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर फॉन्ट विड्थ 600, एंड यहाँ पर जाएंगे रैपर के अंदर ये जो लिंक है, ओके, फॉन्ट साइज 14px, ओके, एंड यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर क्लास यहाँ पर आएगी, ठीक है, एंड यहाँ पर गए हम, अब देख कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर जाके ये और वाला चीज बना लेंगे, ठीक है ना, अब देखते हैं कि ये कैसे हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी के अंदर बना ले, चलिए इसी के अंदर बना लेते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हम ऐड करेंगे, एंड यहाँ पर एक क्लास ऐड कर देंगे और, ठीक है ना, एंड यहाँ पर एक स्पैन लाइन, एक और लाइन आएगी राइट में, देखिए दो दो लाइन ना यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी, एंड बीच में ये और होगा हमारा, ठीक है ना, txt नाम रख दिया, एंड इसके अंदर और, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जाएंगे रैपर के अंदर, और है और के अंदर स्पैन लाइन, ओके, एंड डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ रखेंगे हम इसकी, विड्थ रखेंगे इसकी हम जैसे 35%, ओके, एंड हाइट 1px, एंड बैकग्राउंड ठीक है, चेक करते हैं एक बार जरा, देखिए लाइन तो हमारी आ गई है यहां पर, ठीक है, एंड थोड़ा इसको और डार्क करते हैं, एंड इसके अंदर जो ये हमारा ये है डिस्प्ले फ्लैक्स जो और जो जिसमें और लिखा हुआ है, ठीक है ना, सेंटर, एंड यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा यहाँ पर, एंड यहाँ फॉन्ट साइज का ऐड करेंगे 16px, एंड यहाँ पर फॉन्ट वेट होगा हमारा 600, ओके, एंड यहाँ पर विड्थ रखेंगे हम 35 35 70 हो गया, यहाँ 30 रखेंगे, यहाँ पिक्सल में रखते हैं, ठीक है ना, 50px, हाइट 50px, ओके, एंड बॉर्डर 1px सॉलिड, और ये वाला ठीक है, एंड यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 15
चेक करते हैं एक बार। देखिए ये हमारा बन गया, लेकिन यहां पर इसको 40 रखेंगे। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ जाएंगे और के ऊपर MT3 ऐड कर देंगे, परफेक्ट। ओके एंड यहाँ पर मैंने कुछ हाइट रैपर में ऐड कर दी गलती से, ये रही हाइट इसकी ऑटो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा इतना हो गया। देखिए यहाँ मार्जिन ज्यादा है टॉप और बॉटम से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 कर देंगे, ये भी 4 कर देंगे। एंड यहां से मार्जिन हटाते हैं एक बार, ये जो फॉर्म ग्रुप है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से हम क्या करते हैं, फॉर्म ग्रुप, यहां से मार्जिन बॉटम 12px, ठीक है। तो मैंने यहां पर 12 कर दिया, ज्यादा करना चाहिए हमको, 15 कर दिया। आई थिंक दिस इज द नाइस, ओके वेरी गुड। एंड अब इसके बाद हम ऐड करेंगे ये वाले कंटिन्यू विद ट्विटर एंड फेसबुक, अगर आपको लॉगिन करना है तो, ओके। बट हम ओनली यहां पर गूगल का ऐड करेंगे, ओके, ओनली फॉर गूगल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, और के बाद एंड यहाँ MB3 ऐड करेंगे, ओके। एंड यहां पर मटेरियल यूआई में जाएंगे, ओके। एंड यहां पर ऐड करेंगे बटन कंपोनेंट में, बटन पे जाएंगे हम, और यहां पर देखिए आउटलाइन वाला भी है, ठीक है ना। एंड यहां पर आपको कलर में भी मिल जाएंगे, देखिए, ठीक है ना। तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ, तो यहां मैं लिखूंगा साइन इन विद गूगल, ओके, ये आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर ऐड कर दूंगा क्लास W100 एंड BTN LG, ओके। BTN LG मैंने यहां पर ऐड किया, देखिए यहां पर हमारा ये आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैं क्लास लिख दूंगा लॉग इन विद गूगल, यहां पर ऐड करेंगे इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ओके, एंड फॉन्ट वेट बोल्ड, वेरी गुड। या हम ये भी ले सकते हैं दूसरा ब्लू, ये रहा आउटलाइन वेरिएंट आउटलाइन। एंड यहां पर कलर हटा देते हैं, ये डिफॉल्ट का ले लेगा हमारा, ठीक है। आई थिंक ना यही अच्छा लग रहा है मुझे तो, ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है ना, हमारे थीम से भी ये मैच कर रहा है। एंड यहां पर BTN बिग, ये से लग रहा है, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम यहां पर ठीक है, तो हमारा ये कोई सा भी आइकन यहां से हम डाउनलोड करेंगे, ऑल डॉट PNG कर देंगे, ठीक है ना। एंड हम यहां से इसको ओपन करेंगे पहले, तो देखिए ये रहा, ठीक है ना। हम इमेज में जाएंगे, ट्रिम करेंगे इसको, एंड इसका साइज कम कर देंगे, 40 रख देंगे, ठीक है ना। इसको एक्सपोर्ट करेंगे PNG में, एंड इसको ओपन करेंगे, डाउनलोड कट कर लेंगे, लेके इसको कट कर लेंगे, ओके। एंड अपने इसमें ऐड कर देंगे गूगल आइकन, ठीक है, इसका रीनेम हमने कर दिया। तो हम यहां पर जाएंगे इंपोर्ट गूगल आइकन फ्रॉम,
यहाँ जाएंगे और करेंगे इमेजेस में अपना ये आइकन, ठीक है ना। अब ये आइकन हम यहां पर ऐड कर देंगे, ओके। एंड अब चेक करते हैं यहां पर, देखिए ये आइकन तो हमारा आ चुका है। एंड यहां पर इसकी विड्थ करेंगे 30 px, 25 कर देंगे, ओके। एंड यहां पर एंड NBSP सेमीकोलन, ये हमारे स्पेस के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारा अच्छा लग रहा है काफी, ठीक है ना। ये हमारा देख लीजिए, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका ना विड्थ ज्यादा हो गई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 300 अगर हम करें, ये बहुत कम है, 350 कर देंगे। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। एंड देखिए ये जो हमारा इसका ये जो कलर है ना, ये रहा कलर इसका आइकन का, ये ले लिया हमने कलर। एंड यहां पर आएंगे हम, यहां पर इसका कलर ऐड कर देंगे, ठीक है ना, परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। एंड लास्ट हमारा रह गया यहाँ पर, डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम दोबारा ये कॉपी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड बस देखिए यहाँ पर एक और स्पेस बन जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा स्पेस बन चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ज्यादा ही स्पेस आ रहा है, तो हम ये जो लास्ट वाला चल रहा है ना हमारा, यहाँ पर MB0, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारा रह गया है फुटर, यहाँ पर ऐड करेंगे। एंड यहाँ पर सिंपल एक बस जस्ट टैग, वो टेक्स्ट होगा हमारा ये वाला, ओके। ये रहा हमारा टेक्स्ट। एंड ये जो रजिस्टर है ना लिंक, साइन अप, ओके। एंड यहाँ पर ये आ चुका है। एंड यहाँ पर क्लास नेम लिंक कलर, ठीक है ना। एंड ये जो हमारा लिंक का है ना, लिंक कलर, इसका कलर यही रहेगा हमारा, ठीक है। देखिए ये यहां पे आ गया। एंड यहां पर एक चीज और करनी है हमें, ML2, ठीक है। एंड यहां पर P2, या P3 करते हैं। अब बढ़िया है, बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। देखिए तो दोस्तों हमारा ये लॉगिन पेज बन चुका है, ठीक है। इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। तो आपने देखा कि हमने कैसे यूजर का लॉगिन ऑथेंटिकेशन किया, ओके। इसमें फंक्शनैलिटी तो हम बाद में लगाएंगे, ओके। इसका हमने यूआई पार्ट तो कंप्लीट कर ही लिया है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे, ओके, साइन अप का, ओके फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही ज्यादा ऑसम चल रहा है इस टाइम प्लेलिस्ट हमारी, ओके। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।